नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है Realme 11 Pro Plus 5G मोबाइल में आप किस तरीके से किसी भी ऐप्स को छुपा सकते हैं, यानी कि हाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे आप हाइड हुए ऐप्स को देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है, उसके बाद आएंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी, तो सिंपली आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर से एक प्राइवेसी का ऑप्शन मिल रहा है, तो फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा हाइड ऐप्स, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जो कि पासवर्ड आपको डाल देना है। डालने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस भी ऐप्स को हाइड करना है उसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो सेटिंग्स पर क्लिक करना है और आपको एक एक्सेस कोड बनाना है जिसमें आपको हैज लगाना है पहले, और 4 अंकों का कोई भी पासवर्ड बना करके आप फिर से हैज लगा दीजिए, तो ये आपका एक्सेस कोड हो जाएगा। अब आपको राइट के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ से डन करना है। इतना करने के बाद ये ऐप्स आपका हाइड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए क्रोम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर आपको क्रोम को देखना है तो क्या करना है, डायलर में जाना है और यहाँ पर वही वाला एक्सेस कोड डाल देना है जो कि आपने अभी बनाया था। एक्सेस कोड देखिए, हाइड हुआ ऐप्स यहाँ पर आ चुका है, यानी कि क्रोम यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है ऐप्स को हाइड कर सकते हैं।